फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम आ गए हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो आज हम बीएससी के लिए लाए हैं सैंपल पेपर नंबर 4। बाकी 3 सैंपल पेपर हमारी प्लेलिस्ट में है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, पर हाँ, इस वीडियो के बाद देखिएगा। अभी इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म विच डिजिग्नेट्स अ डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज एसिडोसिस, एडिमा, एनोक्सिया या फिर एनीमिया। तो क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन से? एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी। द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन हिप, लेग, आर्म या फिर अपर बैक। तो स्कैपुला आपके कहाँ होता है? वो आपके अपर बैक में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्कूल करिकुलम शुड इनवेरिएबली बी सब्जेक्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। तो जो आपका स्कूल करिकुलम होता है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि किस पर सेंटर्ड होना चाहिए? तो वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बच्चे को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड आसन रेफर्स टू अ योगा पोज और पोस्चर, अ ब्रीथिंग प्रैक्टिस, अ चांट या फिर अ रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आसन क्या होता है हमारा? अ योगा पोज और पोस्चर। द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल और क्रिकेट। तो ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, लिब्रो प्लेयर किस में होता है हमारा? वॉलीबॉल में, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज ग्राउंडनट, एग, पल्सेस, सोयाबीन। पल्सेस यानी कि आपकी दालें होती हैं, तो किसे सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का? वो है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच द टीचर होल्ड्स आर इंस्पायरेबली बाउंड अप विद वैल्यूज ऑफ द मैनकाइंड, वैल्यूज और गोल्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम परसोना विच ओरिजिनली मीन दैट विच वन इज ट्रूली इज सोल, थिएट्रिकल मास्क या फिर द एनिमल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। तो जो पर्सनैलिटी है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है परसोना, और परसोना का एक्चुअल मीन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, थिएट्रिकल मास्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या फिर क्रायोथेरेपी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंजरी में हमारा? क्रायोथेरेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा आइस से होता है। हाइड्रोथेरेपी हमारा पानी से होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे नाम से पता चला इलेक्ट्रिकल, थर्मोथेरेपी जो होता है हमारी हीट थेरेपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म इंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर साइनोनिम्स विद लेटरल एंड मीडियल, लंबर एंड वर्टिब्रा, वर्बल एंड डोर्सल या फिर फ्रंटल और बैक। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटीरियर यानी कि फ्रंट, पोस्टीरियर यानी कि बैक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल और बैक। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फोर्स इज काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो हमारे कॉजेज ऑफ फोर्स बताता है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारा काइनेमैटिक्स होता है वो हमारा टर्म्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म बिशोप इज रिलेटेड टू हॉकी, बैडमिंटन, चेस या फिर गोल्फ। तो ये किस गेम से रिलेटेड है हमारा? तो ये चेस से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम।
तो जब हमारा हार्ट पंप करता है एक बीट में ब्लड को, वो उसे क्या कहते हैं? हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए। द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लंग्स, वॉल्व्स, स्किन या फिर किडनी। तो कौन सा मेन ऑर्गन माना जाता है हमारा? किडनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। द सेजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स, इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स, लिम्ब्स वाइज या फिर लेंथ वाइज। तो जो हमारा सेजिटल प्लेन होता है वो हमारी बॉडी को हमारे लेफ्ट और राइट साइड्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16। द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी कॉजेस एलर्जी, रिकेट्स, अस्थमा और डायबिटीज। तो क्या होता है हमारे अगर बॉडी में इंसुलिन कम हो तो? डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। द एक्रोनिम एनसीटीई स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर इवेल्युएशन। तो जो हमारा एनसीटीई होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। द टर्म डमी इज एसोसिएटेड विद बेसबॉल, बास्केटबॉल, ब्रिज या फिर बॉक्सिंग। तो किस गेम से रिलेटेड है हमारा ये? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 19। द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स इन द फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट इज 5, 4, 3 या फिर 6। तो कितने टेस्ट हैं हमारे क्रॉस वेबर में? टोटल 6 टेस्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म डायमंड डक इज एसोसिएटेड विद हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या फिर चेस। तो जो टर्म है हमारी डायमंड, वो किस गेम से रिलेटेड है हमारा डायमंड डक जिसे हम कहते हैं? तो वो है हमारा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, ग्रुप या फिर गोल। तो किसके टुवर्ड्स हमें डायरेक्टेड करता है ये हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर? हमारे गोल की तरफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। वन डिफॉर्मिटी मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर, नॉकनीज मे बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्कोलिसिस, फ्लैट फुट, जेन्यू लेग्स या फिर बो लेग्स। तो हमारी जो नॉकनीज है उससे हमें और कौन सी डिफॉर्मिटी हो सकती है? तो वो है बो लेग। नॉकनीज में आपके जो नीज होते हैं वो अंदर की तरफ आपस में टकराते हैं, और जो बो लेग्स में होते हैं आपके नीज बाहर की तरफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द बोन्स इज नोन एज फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो जैसे कि आपने बाजू मोड़ी तो उसमें आपका एंगल कम हुआ जॉइंट के बीच का, तो उसे क्या कहेंगे हम? फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा अगेन आपने अपनी बाजू खोल ली, सीधी करी, तो वो हो गया आपका एक्सटेंशन। जब जॉइंट कम हो रहा होगा तो आपका फ्लेक्शन होगा, जब जॉइंट खुल रहा होगा तो आपका एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स कैलोरीज 11, 4, 2 या फिर 9। तो कितनी कैलोरी देती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें? 4, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटीन भी 1 ग्राम जो का प्रोटीन हमें देता है वो 4 कैलोरीज देता है, लेकिन जो फैट होता है वो हमें 9 कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट के दुगनी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, फंगस, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो स्मॉल पॉक्स जो हमारी बीमारी जिसे हम कहते हैं वो किससे होती है? हमारी वायरस से होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया, तीनों प्लेलिस्ट में हमारे आगे सैम्पल पेपर हैं। तो अगर तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, थोड़ा तो मतलब आगे की जो वीडियोस जलती रहेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर करना है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। वन मोर थिंग, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल।
थैंक यू।